गाइस मेरे रूम के साथ ना ये कुछ हुआ हुआ है। अय अल्लाह मेरे सारे कपड़े। हीरा पे चोरी हुई है। मेरा लैपटॉप भी नहीं मिल रहा है, इसमें मेरा डाटा था। लैपटॉप नहीं मिल रहा, दिस इज सीरियस कंडीशन। वो रोना शुरू हो गई है। वजह आपको पता है घर पे चोरी हुई है। मुझे पैसों का नहीं है, लैपटॉप में मेरा डाटा था, इतना मेरे लैपटॉप मैंने पोस्ट भी नहीं की है वो। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चल जाए। तो भाई अभी मेरी अम्मा नीचे जा रही हैं ज़ैनब के किसी फ्रेंड के निगाह पे, तो चलते हैं नीचे, आपको उनकी लुक्स दिखाती हूँ। बड़ा लश्कारे मारती हुई तैयार हो रही थी, मेरे से बैग्स वगैरह सिलेक्ट करवा रही थी, तो सारी चीज़ें भी आपको नीचे जाकर दिखाते हैं। और आज के दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कुछ एक्साइटिंग ही करते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते हैं, सो लेट्स गो। तो भाई यहाँ नीचे आई हूँ तो यहाँ पे ज़ैनब मैडम जो है पता नहीं क्या कर रही है। मामा इधर बैठी है, आपने जाना है, रेडी नहीं होना? मेरा मेकअप करोगी तो जाऊंगी, आज मैंने अच्छे वाला मेकअप करके जाना है क्योंकि मैंने सूट भी अच्छे वाला निकाला। हाँ आप रोज ही अच्छे वाला मेकअप करती हैं और रोज ही अच्छी लगती हैं, ठीक है? लेकिन जब आपको मेरे हाथ लगते हैं ना उस दिन आपका मेकअप चमचमाता है। मेन इवेंट पे निकाह पे जा रही हूं ना। चलें ठीक है, मामा को अच्छा सा रेडी करते हैं, ठीक है? तेरे सूट के साथ पजामा नहीं मैच हो रहा मामा, ये स्कीमें हैं, चीख चीख के नहीं बताते, ठीक है? ये वर्क फ्रॉम होम है। तो भाई ये देखना जरा, ज़ैनब मैडम यहाँ पे खड़ी होकर वीडियोस बना रही है अपनी कोई। तो भाई मामा ने स्पेशली मेरा जो बैग है ना वो मंगवा लिया और बोल रही है कि मेकअप करो, मेकअप करो। A few moments later. Okay guys, so ये है मेरी मम्मी की लुक। राबे ज़ैनब आज मामा तुमसे ज्यादा प्यारी लग रही है। कोई मसला नहीं है, जाइए आज की लुक मैंने बनाई है, ठीक है? इसका ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड किया, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाय 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 जी, बाय बाय। अब ये लोग निकल रहे हैं और हम, मैं और राबिया, हम लोग घर पे हैं। पापा इनको छोड़ने जा रहे हैं तो पापा अभी फिलहाल घर पे नहीं है, ठीक है? बाय बाय। ओके गाइस, सो मेकअप शेकअप करके मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मामा पापा सब चले गए हैं, ज़ैनब भी चले गए, सब चले गए हैं। आप कुछ पेट पूजा करते हैं, कुछ खाते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बैठ जाओ, बैठ के सारा बैठ के मिलकर सीजन देखते हैं। हाँ यहाँ पे हम बैठ के सीजन देखते हैं, सीजन देखा होगा फिर भी रिपीट पे देखते हैं। ओके गाइस, सो ये मेरा लंच है, लंच डिनर जो भी कहेंगे। फातिमा ने टूट पड़ी है राबिया के लंच पे, खाते हैं लंच है, हम डिनर के टाइम पे खा रहे हैं और डिनर के टाइम पे हम रात को सॉस से मैंने ये पेरी पेरी सॉस हमने खुद ऐड की है। A few moments later. Okay guys, so खाना शाना जो था वो मैंने खा लिया है, अब चलते हैं अपने रूम में, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। मामा पता नहीं कब आएंगे, उनके आने का वेट करते हैं। और मेरे रूम को क्या हुआ है, किसने किया है? गाइस मेरे रूम के साथ ना ये कुछ हुआ हुआ है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ और किसने किया। ओह माय गॉड, हाँ है ये, क्या किसने किया है ये? मुझे लग रहा है मेरी बहनों में से किसी ने मेरे साथ इतना गंदा प्रैंक। अल्लाह मेरे सारे कपड़े, क्या बदतमीजी है ये। फातिमा, राबिया, यार ये क्या बदतमीजी है यार, ये जिसने भी मेरे साथ किया है ना बहुत ही घटिया प्रैंक है, ठीक है? और मैं उसे बख्शने नहीं वाली हूँ। ये मतलब यार ये कोई तरीका है, मेरी पेंटिंग्स उतार के फेंक दी है यहाँ से। यार मतलब सीरियसली ये कोई करने वाले मजाक है? इधर आओ ना जरा, ये तुमने से किसने ये हरकत की है? तुम लोगों में से किसने मेरे साथ प्रैंक किया है मुझे ये बताओ। नहीं लग रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा कमरा नॉर्मल रूटीन। इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है फिलहाल। हीरापे चोरी ही हुई है, पागलपन यार, चोरी कैसे हो गई है? सिर्फ इसके कमरे, देख लो देख लो, चीजें चोरी हुई है। जो आते हैं ना पहली बात कमरों का, मेरा बैग किधर है? मेरा बैग जी चोरी हो चुका है सामान। यार पर कोई कैसे आ सकता है, तुम्हारे लोगों का दिमाग खराब है? नहीं चोरी नहीं हुई, मुझे चोरी तो कहाँ गया उसका सामान फिर? फातिमा तुमने मैं बताऊँ फिर, आप भी इसी ने कोई हरकत की है फिर? फातिमा ने यार मेरे पैसों वाला बैग नहीं मिल रहा, उसमें मैंने उसका पैसों वाला बैग हीरा पे का कहाँ गया? अरे भाई पागल हो, मैं क्यों करूँगी? मेरा लैपटॉप है बाहर पीछे होना, उसके पाँव पे लग गए, जोर का लग गया, सॉरी दिखाओ। यार ये क्या बदतमीजी है, ये किसने की है? एक बार मैंने तुम्हारा कमरा ऐसे किया था, मैसी
तो ये फातिमा ने किया है, ये फातिमा ने किया है। फातिमा तुमने किया है ना? यार तुम लोगों में से किसी ने किया तो सच सच बता दो प्लीज। मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने आज मैं सारा अगर मेरी चीजें यहाँ से गायब हुई है तो फटाफट मम्मा पापा को कॉल करो, ऐसे कौन हमारे घर घुस सकता है। कॉल कर घुस नहीं सकता, कैमरे लगे हुए, कैमराज में चेक कर लो किसी ने। हाँ चेक कर लो कैमराज में, चेक कर लो। हमारे डर लग रहा है, हमारे अलावा घर में कोई और है भी नहीं है। और पता है चोर कहाँ से आ सकता है? इधर से, पैसों से। तुम हो मुझे पता है, तुम हो फातिमा, तुम ही हो। हीरा भी फातिमा है, फातिमा है, उसने भी मुझे बताया है। तो शुक्र है फोन मेरे पास था। तो बाकी सारी चीजें चोरी हो गई हैं? मैं तो ऊपर आई नहीं, मैं सुबह से नीचे मम्मा का मेकअप किया है, मेरा मेकअप बैग नीचे है। नीचे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पापा के पास आओ, पापा को कॉल करते हैं, आ जाओ, टेंशन ना लो। मम्मा को पापा को कॉल करो, किसके पास फोन है? मुझे इरादा किया हिज़ा ने। अरे भाई मैं क्यों करूंगी, मैं तो यहाँ खुद व्लॉग बना रही हूँ, देखो। तुम हो मुझे तुम ही लग रही, मुझे तो लग रहा है चोरी हुई है भाई। गाय पूरा फातिमा चोर अंदर एंटर हुआ है। नहीं तुम क्या, क्या तेरा चूजे नहीं मिल रहे तो ये कोई चोर घर का ही है पक्का। नहीं फातिमा है, वो हंस रही है फातिमा है, मैंने नहीं किया। लैपटॉप भी नहीं मिल रहा है, उसमें मेरा डाटा था। लैपटॉप नहीं मिल रहा, दिस इज सीरियस कंडीशन, ठीक है? ये फातिमा ने किया। लेकिन तुम मुझे बताओ हीरा, कोई चोर तुम्हारा दरवाजे दीवार से पेंटिंग क्यों उतारेगा? क्योंकि चोर देखते हैं कि पिक्चर्स के नीचे पैसा होता है। मैं आया हूं, मैं पता लगवाऊंगी, ठीक है? और मम्मा को कॉल करो, दिमाग या तो ये मम्मा को कॉल करो, बहुत सीरियस मैटर है, तुम लोगों को मजाक लग रहा है। मेरी बात सुनो, साफ कैमरे चेक करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करवा लो। पापा की तरह अगर मैंने गलती की होती मैं ना कहती कि नहीं, मैंने गाइस अगर गलती की होती मैं ये ना कहती कि कैमरा ना चेक करो, मैं कह रही हूँ कैमरा 100 दफा चेक करो। लो वो रोना शुरू हो गई है। अरे यार इजी कंडीशन है, उसकी फिशू घूमी थी वो भी ऐसा रोई थी बाद में, क्या तुम निकली थी पीछे से? चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो रोई थी। मैंने मैं कह रही हूँ कैमरे चेक कर लो यार, मैंने नहीं किया। उसकी फिशू तुमने हरकत की थी, की थी हरकत? हाँ या ना? तो कर्मा हुआ आपके साथ। मेरी चीज़ एक सेकंड, तुम्हारी वजह से वो रोई थी हाँ या ना? तुम्हारी वजह से वो रोई थी हाँ या ना? हाँ लेकिन इसका तो कर्मा मेरी, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ कैमरा चेक कर लो यार, रोना शुरू हो गई है। मैं तेरा कैमरा ना चेक कर रहा, तेरे फोन पे पीछे रहा कर लो। लिटरली अगर तुमने ये हरकत किया तो मैंने नहीं किया यार, मैं इतना कैसे कर सकती हूँ? एक दूसरे के मेट्रो से दूर रहो, और ये तुम लोग की आज फाइनल और लास्ट चीज है, अगर पता लग गया किसके पीछे तुम हो। मैंने किया ही नहीं है, कॉल कर लो। मैंने कुछ भी, मैं कह रही हूँ कैमरा चेक कर लो, अब ना मुझे कोई बोले मैं फोन छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा पूरा डाटा था, मुझे नहीं पता यार, मुझे पैसों का नहीं है, लैपटॉप में मेरा डाटा था, इतना मेरे लैपटॉप मैंने पोस्ट भी नहीं की है वो लैपटॉप। अब मैं एक तो हेल्प करके आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ, चलो कंटेंट निकल आएगा चोरी का आपके लिए। नहीं मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कैमरा चेक कर लो, हाथ होगी, मैंने नहीं बनाना व्लॉग अब किसी का। लेकिन पता है क्या, अगर देखो तुमने नहीं किया, फातिमा ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तुम्हारे अलावा जब तुमने कॉल आया, मैं कह रही हूँ पापा को तो बताओ ना यार। यार तुझे सो सीरियस में, अरे यार पापा को बताओ, उनको बताओ, वो आके देखेंगे। कॉल करो यार, कब से बोल रही हूँ कॉल करो, कोई कॉल करो, आप करो ना, मैं फोन पे करते हैं, रुक जाओ जरा। गाइस ये जो कुछ भी हुआ है ना, पता नहीं किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है या क्या है, या कोई प्रैंक कर रहा है, सच में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अगर तो ये किसी बंदे के काम है, हमारी अपनी फैमिली में से अगर किसी ने किया ना, तो मैं उसे बताऊंगी पता कि मेरे से इसने पंगा लिया है। खैर अभी मैंने पापा को कॉल की है और उनको मैंने बोला है कि कैमरा चेक करें, वो कह रहे हैं कि मैं घर आके बात करता हूँ, तो वो जैसे ही घर आते हैं तो आपको इस बारे में अपडेट करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ओके गाइस, तो पापा को मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, मेरे क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं, ठीक है? और पापा फौरन अर्जेंटली, मैंने कहा आप जहाँ पे भी हैं फौरन घर आगे हैं, पापा को बुलाओ ज़रा, बहुत सीरियस चीज़ है। अगर पर मुझे ना हल्का सा डाउट लग रहा है मुझे भी घर के अंदर से, क्योंकि देखो फातिमा चोरी वजह आपको पता है घर पे चोरी हुई है, मेरा लैपटॉप, मेरा बैग, उसमें मेरे पैसे थे, मेरा आईडी कार्ड, मेरा एटीएम, हर चीज, और मेरा कमरा आप जाके देखे, मेरे चूजे भी गायब हो गए, चूजों से मुझे लग रहा है घर का। आप एक दफा कैमरा चेक करें पापा जी, कैमरा मुझे सच में, हम लोग तीनों घर पे मम्मा पापा मेरे कमरे में सब कुछ था। मैंने देखी, मैं रोना भी शुरू हो गई थी, मैंने कैमरा चेक कर लो यार, कितने कैमरा चेक कर लो पापा, कैमरा चेक कर, मुझे नहीं पता मेरी सारी, मेरा कैमरा, मेरा कैमरा भी था वहाँ पे, मेरे रूम में पड़ा हुआ था। फातिमा यार ना मारो, उसने नहीं किया, वो बोल रही है मैंने नहीं किया यार, अभी पता चल जाएगा, पापा जी कैमरा चेक करें, इसके मेरे कमरे में और पेंटिंग उतरी हुई है, इसके काम है क्या है? हट जाओ यार, मुझे सारे डांट दिए जा रहे हैं।
नहीं सिर्फ मेरे कमरे में सारी कीमती चीजें, घर में ही देखो इसने इसने किया था। रबिया दरवाजा खोलना जरा यार, क्या बात सारे काम। मुझे ऐसे आप कॉल कर ही जा रहे हो कि वो इंजन में मैं क्या पता नहीं क्यों हो गया। मुझे तो लगा चोरी होगी अगर मैं वो अगर खुदा ना खाता कोई चीज उठाई जाती तो पहले यहां से कि पहले सड़ जाता तो लेकिन मैं जाकर सारे बाहर मैं वो तेरा ना सारा इधर आना सारा बाहर। नहीं नहीं इधर तुमने किया है? मैंने नहीं पापा जी, आप बताएं ना मैंने कब किया। कब किया इसने? किया इसने नहीं किया। जब तुमने मुंह से मानोगी कैमरा निकाल के बताऊं कि खुद बताता है पापा जी। आप तो मेरे साथ मिले हुए थे यार। मुझे अंदर जो जब आपने कॉल की मैं सीरियस हो गया था। अच्छा रास्ते में मैं घर में इतना एंटर हुआ तो मुझे कह रही है कि ना पापा जी आपने मेरे से मिले, मैंने प्रैंक कर दिया था, खराब हो गया। अबे क्या बदतमीजी है। मैं तो नहीं थी। अच्छा पापा को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी तुम? लेकिन मैंने सोचा भी नहीं है। पता लग गया था यही है। मुझे ना वैसे शक नहीं है, मुझे मेरे चूजे का है। इसको और मारो, इसको इसकी और पिटाई करो। हां जी चूजे हैं मेरे तो लास्ट सुनी थे, दो दिन तक मैं भी नहीं धोले। दो दिन से खराब है लेकिन मैंने तुम्हारे लैपटॉप पैसे बैग ये मजाक नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी ने किया इरा। मैंने अच्छा जी देखे आप मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए? आप कह रहे कि मैं नहीं मिला। आगे मिला हूं, पहले नहीं, जब आप कॉल तब मैं नहीं मिला। मेरे इतना दिल को कुछ हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसको डेफिनेट पता था पापा ने कैमरे खोल देने। अच्छा इसने मुझे रास्ते में आते बुला लिया। रिश्वत लगाई मुझे, रिश्वत लगाई मुझे, प्रॉमिस किया मेरे साथ। मुझे था किसी को खास दुश्मनी है और सिर्फ मेरी है ना आपसे। आपने मुझे रुलाया था, मैंने भी रुला दिया, बात खत्म। पर मैं तो सारा टाइम घर पे थी, तुमने सब कब किया? आप नीचे सीजन देख रही थी, मैं ऊपर जाके व्लॉग बनाया, देख लेना। व्लॉग बनाया, वीडियो बनाई है, सारा काम खराब कर दिया। रबा तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, बदले के लिए तैयार रहना। पापा जी मेरा साथ देना तो दो थप्पड़ी से थोड़े एक्स्ट्रा लगा दे। फोन करने से पहले मुझे था कि आप ले लेट घर आना, मैंने कहा तब तक थॉमस को। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। लाइट वहीं पे आपने गोलमोल कर देना। हां कि नहीं 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 मैं एंटर हो रहा हूं, मैं एंटर हो रहा हूं। क्यों हुआ अबे, क्या हुआ? अच्छा हमारा दिमाग भी वापस लौट सो गया। ओह माय गॉड रबिया, बड़ी चालाक हो तुम, बड़ी चालाक हो। और पापा को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी मैं। ये जो इसने वीडियो के क्लिप्स बनाया ना, मैं वीडियो के आखिर पे लगाऊंगी और इसको एक्सपोज करूंगी। समझ आई? मैं तुम्हारे फोन से चोरी कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही चोर हो इस दुनिया में? मैंने अपने व्लॉग के लिए बनाया। अच्छा मैं वो क्लिप्स चोरी करके अपने व्लॉग के लास्ट में लगाऊंगी ताकि आपको रबिया का असली चेहरा पता चले। अब ऐसे कोई पंगा मत लेना, ये लड़ाई को खत्म करो और दोस्ती में कन्वर्ट करो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ओके गाइस, यहाँ पे मामा और जैनब जो है इस टाइम आके बैठ चुकी है। मामा आपको एक बात तो बताई नहीं है, आपको पता है हमारे घर में आज बहुत हैवी किस्म वाली चोरी हुई है। हाँ जी, किसने की है? मेरा लैपटॉप, सारी मेरी कीमती चीजें, और वो चोरी कम प्रैंक ज्यादा था। हाँ हाँ इसी ने की है। पापा जी घर में ना चोरी हो गई है। अच्छा। मैं परेशान हो गया, मैं अल्लाह खैर करे किस तरह। कहीं मेरे कमरे से लैपटॉप ये वो, मैं कहाँ से हुई है? कहीं मेरे कमरे में। अच्छा मैं घर आ रहा हूँ, मैं ऑफिस से मैं घर आया हूँ तो राज रहा पहले मैंने गेट लाया अंदर बढ़ देना। तो मुझे पता भी नहीं चला, फटाफट बाहर गई है पापा के पास। मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया, जैसे गल सुन के मेरा ना सकते हैं। ये बहुत चालाक है, जल्दी की भी घूम गई। मैं कहूं तो परेशान किया कि नहीं, मैंने उसको लाना था। और मैं इतना मैंने टेंशन में आपको कॉल किया, आपको इतना मुझे इतना मम्मा मेरे चूजे चोरी कर लिए इसने। तुम लोग अच्छा काम करो, व्लॉगिंग चैनल के लाओ ना, बदले जाना रहा दोनों बदले कर। आप सुला कर मम्मा, मैंने इससे बात नहीं करनी, आप सुला की बात कर रही हैं। मुझे तो कहा था कि एक टेडी ले आ, शादी करो आपस में बच्चों की, तो सुला करो, रिश्तेदारी बना। मम्मा नहीं, इसने जो आज मेरे साथ कर दी है ना, उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे अगले बदले का इंतजार करेगी। ठीक है जरा बदला बदला खत्म करो बदले को। छोड़े अभी, खैर छोड़े, मैं किसी से इससे बात नहीं करती क्योंकि पापा भी हल्के से मिले हुए थे, मुझे ऐसे ही लगा। अगली बार कुछ भी होगा उसको पता होगा कि तुमने किया। मैं तो बोंगड़ा बन, मुझे नहीं ना पता था, देखो मैं कितनी मासूम हूँ। ये तो अगली बार रबिया को पता चल जाएगा ना कि तुमने किया। पता चल भी जाए पर वो बदला ऐसा होगा कि वो कुछ कर नहीं सकती होगी। वेट एंड वॉच। मीनवाइल सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रापी ने मेरे साथ इतना इतना बुरा किया था, अब जो है ना मैं लूंगी बदला, और बदला भी कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। मैं भी उसके आंसू निकालूंगी, उसकी हर चीज चुरा लूंगी,
और आज इस घर में होने वाली है चोरी। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये हीरा अप्पी का सारा सामान है और अब ये सारा चोरी होने वाला है। जितनी भी उसकी महंगी प्रोडक्ट्स है ना सारी मैं चुराने वाली हूँ। यहाँ पे जो जितनी भी उसकी ज्वेलरी पड़ी हुई है ऐसा पड़ा है उसके चूजे हर चीज चुरा लूंगी और देखना जरा फिर वक्त कितना रोएगी। देखना हीरा अप्पी मैं आपके साथ क्या करूंगी। पूरा कमरा जो है इसका मैं कर दूंगी डिस्ट्रॉय। इसका लैपटॉप भी चुराया जाएगा, सारे कपड़े इधर उधर होंगे। यो कितना मजा आ रहा है, सारी इसकी तहें खराब करूंगी। एंड गाइस इसके सारे परफ्यूम सारा मेकअप सब उठा लूंगी। अभी जो है ना ये लोग नीचे बैठ के सीजन देख रहे हैं तो मुझे यही अच्छा मौका मिला है। अब मैं ऐसे से करके सारा सामान जो है ना वो ऊपर पहुंचाने लगी हूँ। सो लेट्स सी। एंड गाइस सबसे मेन चोरी होगी इन चूजों की। आ जाओ शाबाश, तुम लोग भी ऊपर आ जाओ शाबाश। सो गाइस फाइनली मैंने सारा रूम बिखेर दिया है एंड हीरा की फेवरेट फोटो भी उतार के फेंक दी है और उसकी फेवरेट फोटो भी चुरा ली है। अब देखना कितना मजा आता है उसका जब आंसू निकलेंगे। एंड मैंने उसके चूजे भी ऊपर वाले पोर्शन में रखे हुए हैं। मैंने रूम की सारी एक्सपेंसिव चीज़ें परफ्यूम्स पैसे लैपटॉप हर चीज़ चुरा ली और उसका एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स थी वो भी। ये देखें पूरा खाली कर दिया हमने। उसकी वार्डरोब भी पूरी, वाले ड्रॉअर से भी कुछ पैसे निकले थे वो भी जो है मैंने ऊपर रख दिए छुपा के। बस अब देखना जरा बहुत मजा आएगा। अब लाइट करते हैं ऑफ और शो करवाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। लेट्स गो। ओके गाइस तो आप लोगों ने देख लिया कि राबिया मैडम ने किस तरह से मेरे कमरे में ये तबाही मचाई है। ठीक है इतनी ज्यादा आई डोंट नो कि अब इसको समेटना कैसे है। ठीक है मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ, सोना भी यहीं पे ही है और इन सब चीज़ों का क्या करना है। और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरे कमरे की राबिया ने बदले की आड़ में ये हालत की है। खैर खुशी इस बात की है कि ये चोरी वोरी नहीं थी, सिर्फ राबिया की तरफ से एक प्रैंक था जो कि जिसका बदला उसे मैं लेके रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।